चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है, लेकिन कानपुर में वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही सियासत का खतरनाक चेहरा सामने आ गया। कानपुर में कई बीडीसी सदस्यों को बंधक बना लिया गया, हालांकि पुलिस की मदद से इन्हें रिहा करवा लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि बिधनू इलाके से खड़े एक प्रत्याशी ने थाना सचेंडी इलाके में तिवारी गार्डन में 6 बीडीसी सदस्यों को उनके परिवार समेत बंधक बनाकर रखा था और तभी इसकी खबर मीडिया को लगी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने गेस्ट हाउस का ताला खुलवाया और बीडीसी सदस्यों को उनके घरों में भेजा गया। आपको बता दें कुछ दिनों पहले भी दारोगा गेस्ट हाउस में करीब 37 बीडीसी सदस्यों को बंधक बनाने का मामला सामने आया था। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और ऐसे में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के लिए जिस तरीके से हो हल्ला हुआ था, हंगामा हुआ था, यहाँ तक कि खून खराबा भी देखने को मिला था और अब पूरी कोशिश चुनाव में भी कहीं ना कहीं हेर फेर करने की। और आज जिस तरह से वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही ये खबरें आ रही हैं जहां सियासत का एक खतरनाक चेहरा सामने आता है। कानपुर में कई बीडीसी सदस्यों को बंधक बना लिया गया, पुलिस ने हालांकि इनको रिहा करवा लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बिधनू इलाके से खड़े एक प्रत्याशी ने थाना सचेंडी इलाके में तिवारी गार्डन में 6 बीडीसी सदस्यों को उनके परिवार समेत बंधक बनाकर रखा था और तभी इसकी खबर मीडिया को लगी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने गेस्ट हाउस का ताला खुलवाया और बीडीसी सदस्यों को उनके घर में भेजा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी दरोगा गेस्ट हाउस में करीब 37 बीडीसी सदस्यों को बंधक बनाने का ये मामला सामने आया था। तो एक प्रत्याशी जिसने बीडीसी सदस्यों के परिवार को ही बंधक बना लिया। और मोहम्मद उजैर है तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ। उजैर, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि चुनाव के दौरान, चुनाव के समय और आज जिस तरह से वोटिंग होनी है उसके पहले इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाएगा? देखिए, ये चीज बिल्कुल साफ है कि निष्पक्ष चुनाव कराना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और ऐसे में प्रशासन का सहयोग मिलना उससे भी बड़ी जो है बात होती है। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरीके से दबंग लोग जो है बीडीसी को बंधक बना लेना और वोट के समीकरण को बिगाड़ना या अपने पक्ष में कर लेना, ये एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो सिर्फ दबंग लोग करते हैं और इनका कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों का सहयोग इनको मिलता है, जिसकी वजह से ये खुलेआम इस तरीके से करते हैं। रात जिस तरीके से हमने देखा कि बीडीसी के लोगों को बंधक बनाया गया, सदस्यों को बनाने के बाद जिस तरीके से उनको सुविधाएं भी मुहैया कराई गई, जब हम लोगों को इसकी खबर मिली और पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस की जब मीडिया को जब ये खबर मिल गई और मीडिया ने जब सूचना दी पुलिस को, तो जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो उससे पहले जो है ब्लॉक प्रमुख को खुद जो चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी, जिन लोगों ने बंधक बनाया था, उनको पुलिस के आने की सूचना मिल गई। आप जिस तरीके से ये वीडियो में देख रहे हैं कि लोग जो है निकल निकल के भाग रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं, निकल रहे हैं, ये बड़ी संख्या में बीडीसी सदस्य जो है हम लोग के पुलिस के आने से पहले ही। कितनी देर में वोटिंग शुरू होगी? ये सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और उसके बाद जो है जो रिजल्ट है वो बाद आएगा, लेकिन सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें ये वोटिंग शुरू हो चुकी है, जैसा भी हालांकि एक अपडेट आ रहा है 11 बजे से सुबह वोटिंग शुरू होनी है, आज वोटिंग होनी है और ऐसे में जिस तरीके से ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, नामांकन के समय भी हंगामा हुआ था और अब यहाँ पर बीडीसी सदस्यों के परिवार को बंधक बनाया गया है, ऐसे में कैसे चुनाव करवाए जाएंगे? हंड्रेड नंबर की ये सूचना आई कि कुछ लोगों को बंधक बना के यहाँ रखा गया है, जो कल मतदान में बीडीसी सदस्य हैं, कल मतदान में उनका उपयोग किया जाएगा। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष, मैं और उच्चाधिकारी गण के निर्देश पर मैं स्वयं पहुँचा, अंदर दबिश दी गई, 6 लोग बीडीसी सदस्य मिले जिनसे पूछताछ की गई, उन्होंने बताया कि स्वेच्छा में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, उनको पुनः उनके घर भेजा जा रहा है ताकि वो निष्पक्षता से कल स्वतंत्र होकर मतदान कर सकें। तो सुबह 11 बजे से ये वोटिंग शुरू होगी। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए यूपी में किस तरह गुंडागर्दी हो रही है ये नामांकन के दौरान देखने को मिला। नामांकन भरने के दौरान 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आई, जहां पर नामांकन दाखिल करने के दौरान खूनी झड़प भी देखने को मिली, हाथापाई हुई, पथराव हुआ, फायरिंग हुई, यानी हर जगह ब्लॉक कैंपस जंग के मैदान में तब्दील नजर आ रहा था। एक पक्ष दूसरे पक्ष को नामांकन करने से कहीं रोक रहा था तो कहीं धमकी दी जा रही थी, मारपीट की जा रही थी। ये तो स्थितियां हैं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से पहले नामांकन के समय।
और ये एक वजह रही जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनको नामांकन करना था वो नामांकन कर नहीं पाए। चलिए रुक करते हैं यूपी के अलावा कुछ और खबरों का भी। गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा ने अपने निजी जीवन से जुड़ा सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया है। वाराणसी में शनिवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर मृदुला सिन्हा ने कहा कि 72 साल पहले उनकी माँ उन्हें पेट में ही मार डालना चाहती थी। मृदुला सिन्हा के मुताबिक इसके लिए उनकी माँ ने दवाइयां भी खा ली थी लेकिन बाद में डॉक्टर ने इन्हें बचा लिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में पहुंची थी मृदुला सिन्हा और उसी दौरान उन्होंने ये खुलासा किया कि 72 साल पहले उनकी माँ उन्हें पेट में ही मार डालना चाहती थी। अमित है हमारे साथ वाराणसी से। अमित, किस तरीके से एक बेहद चौंकाने वाला ये खुलासा किया गया कि कैसे जो बेटियों का जन्म होता था उसको रोकने की कोशिश होती थी, क्या कुछ कहा था मृदुला सिन्हा ने? चलिए अमित से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है लेकिन चौंकाने वाला खुलासा जरूर है कि कैसे बेटियों के जन्म को लेकर एक सोच रही है। हालांकि आज भी हमें ये सोच देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिलती है जिस वजह से सवाल भी खड़े होते हैं कि बेटियां अपना मुकाम हासिल कर रही हैं, हर क्षेत्र में नाम कर रही हैं, फिर भी क्यों ऐसा भेदभाव? गोवा की गवर्नर है मृदुला सिन्हा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम वाराणसी में जो हो रहा था उसमें वो पहुंची थी और उसी दौरान उन्होंने ये खुलासा किया। तो मृदुला सिन्हा के मुताबिक उनकी माँ कोख में ही उन्हें मार देना चाहती थी। अमित है हमारे साथ। अमित, क्या कुछ मृदुला सिन्हा की तरफ से कहा गया, क्या एक तरीके से ये दिखाया गया कि समाज में ये सोच बहुत शुरुआत से ही बरकरार रही है? देखिए, निश्चित रूप से गोवा की राज्यपाल और जाने मानी साहित्यकार मृदुला सिन्हा ने 72 साल पहले उन्होंने अपनी जिंदगी के एक अंश का हवाला दिया कि 72 साल पहले मेरी माँ 40 साल की उम्र में मुझे वो कोख में ही मार डालना चाहती थी और ऐसा उनकी माँ पर इतना ज्यादा दबाव था, गांव की ही महिलाओं के बीच से वो दबाव जन्म लिया था और उसी दबाव की वजह से मेरी माँ ने दवा भी खा ली थी। लेकिन जब एक बूढ़ी काकी के जरिए ये बात मेरे पिता को पता चली तो मुझे तत्काल शहर ले जाकर मेरी माँ का इलाज कराया और वहीं मेरा जन्म हुआ। उसके बाद से मेरे पिता ने गांव के लोगों और परिवार का विरोध करते हुए मुझे हायर एजुकेशन तक उन्होंने मुझे पढ़ाया और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने पिता की वजह से ही हूँ। तो निश्चित रूप से वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि भ्रूण हत्या के लिए काफी हद तक जो एक गंदी एक कुत्सित मानसिकता है वो जिम्मेदार है और इसके लिए उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया कि आप आगे आइए, महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर, भ्रूण हत्या को लेकर आप कोशिश करें, एक सकारात्मक माहौल बनाएं, तभी ये रुक सकेगा और महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। 72 साल पहले आप कल्पना करिए श्वेता, 72 साल पहले भी अगर इस तरह की मानसिकता थी तो आप समझ लीजिए कि हम कब से इसको हम इस दंश को झेलते आ रहे हैं। चलिए, हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नोटिस भेजा है। ईडी ने पूछताछ के लिए पंकज भुजबल को बुलाया है। महाराष्ट्र सदन घोटाले में पंकज पर गंभीर आरोप लगे हैं और इसी सिलसिले में भुजबल के भतीजे को ईडी ने पूछताछ के बाद कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार किया था। तो महाराष्ट्र सदन घोटाले का ये पूरा मामला है जिसमें छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब नोटिस भेजा है और ईडी ने पूछताछ के लिए पंकज भुजबल को बुलाया भी है। तो कई गंभीर आरोप लगे हैं महाराष्ट्र सदन घोटाले में पंकज पर। और इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश की तरक्की के लिए केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना पड़ेगा। बजट से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक में जेटली ने ढांचागत क्षेत्र में खर्च पर जोर दिया। तो बैठक में जीएसटी बिल पर भी चर्चा की गई। जेटली ने कहा कि राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर ज्यादा खर्च करना चाहिए क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने सेंट्रल टैक्स में उनकी हिस्सेदारी 10% बढ़ा दी है। बैठक में राज्यसभा में अटके जीएसटी बिल पर भी चर्चा हुई तो वहीं राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने राज्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड की मांग की। मीटिंग में जीएसटी के 25% वेटेज केंद्र सरकार और 75% वेटेज राज्य सरकारों के पास रखने पर चर्चा हुई है।
राज्यों में निवेश की परिस्थिति भी बढ़े और इसलिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हर राज्य ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन एक सुझाव प्रायः अधिकतर राज्यों का ये आया है कि कृषि क्षेत्र की विशेष रूप से चिंता राज्यों को भी है, केंद्र को भी है, और इसलिए उस क्षेत्र में उठाव आए इसका एक प्रयास करना चाहिए। और चलिए बात दिल्ली की, जहां पर एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 12वां दिन है। हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद एमसीडी कर्मचारी लौटने को तैयार नहीं है। हालांकि एमसीडी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले लिए, तो वहीं हड़ताल में शामिल पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षक वापस काम पर लौट आए हैं। शिक्षकों की हड़ताल का असर निगम के स्कूलों पर भी पड़ा था, जहां पढ़ाई ठप्प हो गई थी, और इसके साथ ही हड़ताल के चलते राजधानी दिल्ली में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारी 27 जनवरी से हड़ताल पर है। बीते एक साल के अंदर दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की तीसरी हड़ताल है। तो वही बीजेपी ने हड़ताल को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। ये जो सारी की सारी अब दिल्ली सरकार कुछ पैसा रिलीज करने की बात कर रही है, जब सर से पानी उतर गया, तो इस सारे की सारी चीजों के लिए केवल दोष देने के लिए मैं दिल्ली सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। दिल्ली सरकार ने बहुत सौतेलापूर्ण रवैया निगमों के साथ किया है, उनको गंभीरता से इस पर अपने विचार करना चाहिए था। प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में आज भारतीय नौसेना प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का एक्शन देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसेना के साथ साथ विदेशी नौसेना के जंगी जहाज भी अपनी ताकत की नुमाइश करेंगे। इससे पहले शनिवार से इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2016 की औपचारिक शुरुआत हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में 11 फ्लीट रिव्यू का शानदार आगाज हुआ। नौसैनिकों के शौर्य को देखने बंगाल की खाड़ी पहुंचे राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंशियल यॉट पर सवार होकर जंगी जहाजों का मुआयना किया। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए फ्लीट रिव्यू की सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, तो नेवी के कमांडो के साथ फाइटर प्लेन और समुद्र में निगरानी करने वाले हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन पहली बार देश में 1953 में किया गया था। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में इस बार 52 देशों की नौसेना हिस्सा ले रही है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 75 से ज्यादा वॉरशिप शामिल है। देश में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन 15 साल बाद हो रहा है। इससे पहले 2001 में मुंबई में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया था। तो आजादी के बाद से लेकर अब तक इंडियन नेवी अपने सुप्रीम कमांडर यानी कि राष्ट्रपति के लिए 10 बार फ्लीट रिव्यू का आयोजन कर चुकी है। भारत के दुश्मन नंबर 1 आतंकी संगठन लश्कर ए चीफ हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। इस्लामाबाद में भारत के खिलाफ आयोजित रैली में हाफिज सईद ने पठानकोट हमले का जिक्र किया। हाफिज सईद ने कहा कि हमला पाकिस्तान ने नहीं जिहाद काउंसिल लेकर आया। हाफिज सईद ने भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने और दोस्ती की कवायद के खिलाफ भी जहर उगला। आपको बता दें कि इससे पहले 4 फरवरी को पीओके के मुजफ्फराबाद में आयोजित एक रैली में भी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। सैयद सलाहुद्दीन मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल का सरबरा वो मैदान में आया कि ये पठानकोट की कार्रवाई कश्मीरी तंजीमें कबूल करती हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब, आपने बिल्कुल हक फरमाया, यूनाइटेड नेशन नाकाम हो गई है। उसकी नाकामी में किस किस का हिस्सा है, अब आपको इस मसले पर सोचना है। तो वही हाफिज सईद के बयान पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ रिएक्शन से वो भी सुनते हैं। What Pakistan government has to say on this, India should take an explanation from the Pakistan government on Mr. Hafiz Saeed's statement. अभी ऐसे अर्जी देकर क्या फायदा है? वो नवाज शरीफ तो वहाँ कठपुतली है, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई शक्ति नहीं है।
तो आपको बता दें कि हाफिज सईद मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है। मुंबई हमले के बाद हाफिज सईद पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा। हाफिज सईद जमात उद दावा का चीफ है, यूएन ने इसे आतंकवादी संगठन बताकर बैन किया। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप संघ और रूस ने हाफिज सईद के संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। इधर गुजरात के समंदर से एक बार फिर से पाकिस्तानी बोट पकड़ी गई है। कोस्ट गार्ड्स को जखाऊ इलाके में संदिग्ध बोट नजर आई, जिसके बाद बोट को रोका गया। बोट में सवार 11 लोगों को पकड़ा गया है। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिशें की जा रही है कि आखिर किस मकसद से पाकिस्तानी बोट भारत की सीमा में दाखिल हुई। बताया ये भी जा रहा है कि पूछताछ में लोगों ने खुलासा किया कि वो मछली पकड़ते वक्त गलती से भारत की सीमा में दाखिल हो गए थे। मशहूर पाकिस्तानी गायक गुलाम अली अपनी गजलों की महफिल सजाने लखनऊ पहुंचे हैं। आज वो लखनऊ महोत्सव में समा बांधेंगे। यूपी के प्रमुख सूचना सचिव नवनीत सहगल ने शनिवार को गुलाम अली की अगवानी की। गुलाम अली के कंसर्ट में किसी तरह के खलल से बचने के लिए यूपी के शिवसेना प्रमुख अनिल सिंह को नजरबंद कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शिवसेना पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में कार्यक्रम के खिलाफ है। दरअसल इससे पहले मुंबई और पुणे में शिवसेना के विरोध के चलते ही गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। हालांकि उसके बाद उन्होंने कोलकाता में अपना कार्यक्रम किया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखा दी है। ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे हैं। आज लखनऊ में हाफ मैराथन है जिसकी शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से। हरी झंडी दिखा दी गई है और इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है हाफ मैराथन की। लखनऊ से तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं जहां 5 मिनट पहले ही हरी झंडी दिखाई गई है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से और इसी के साथ मैराथन की शुरुआत हुई है। हाफ मैराथन की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 मिनट पहले ही इस मैराथन की शुरुआत की हरी झंडी दिखाकर। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना।